कौन थे? देखिए सबसे ज्यादा दुखी थे तो चंद्रमा थे। बोले सबको राम के जन्म से कुछ न कुछ मिला, लेकिन मुझे तो कुछ मिला नहीं, मैं खुश क्यों हो जाऊं? तो भगवान ने पालना से ही चंद्रमा से कॉन्टेक्ट किया, भाई हमारे जन्म से लोग खुशी हैं, लेकिन तुम क्यों दुखी हो रहे हो? बोले क्यों दुखी हो रहे हो? पूरा दिन हो गया, रात होने का मन नहीं कर रहा है। सूर्य ने अपनी गति बदल दी, सूर्य अपनी जगह पर रुका हुआ है। अब आज भैया जैसी दिन में चल रही तैसी गति हो, पूरी कथा की रेड़ पिट जाएगी तुम्हें ना मालूम। जब इस बात के लिए कहा तो चंद्रमा कहने लगे, जब सूर्य तो अपनी जगह पर रुके हुए न रात होगी न मैं दर्शन कर पाऊंगा। बस नेक और खोलो। तो भगवान राम कहने लगे, मेरे अवतार से जो तुम्हें मिलेगा वो किसी को नहीं मिल पाएगा। क्यों? रही बात ये, आगे बैठ के शोर नहीं करते। एक बात ये रही कि मेरे जन्म से तुम दुखी हो, तो एक बात याद रखना, जो मेरा नाम लेगा वो तुम्हारा नाम लेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। भगवान का पूरा नाम क्या है? श्री राम चंद्र। जो मेरा नाम लेगा वो तुम्हारा नाम लेगा। और रही बात ये कि अगर सूर्य ने एक दिन की गति रोक दी, तुम एक महीने की रात कर देना। अब की बार मैंने दिन में अवतार धारण किया है, द्वापर में आऊंगा तो रात में आऊंगा, और रात में तुम एक महीने की रात कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस अब तो खुश हो? चंद्रमा को भी समझा दिया, चीख बढ़ाओ जाई में चीख बढ़ाओ। आज जब मेरे प्रेमी सज्जनों ऐसा किया है, भगवान श्री राम वहां से आए, धीरे धीरे भगवान बड़े हुए, और भगवान जब बड़े हुए हैं तो सबसे पहले विश्वामित्र के लिए आदेश हुआ, और विश्वामित्र भगवान श्री राम को अपने पास ले गए। सबसे पहले भगवान श्री राम ने तारका का वध किया। तारका आज मेरे भक्तों क्या किया भगवान श्री राम, इधर तो गुरु विश्वामित्र के यहाँ विद्या अध्ययन कर रहे हैं, और इधर प्रेमी सज्जनों क्या हुआ। अब मैं आप लोगों को लेकर के चलूंगा भगवान श्री राम का विवाह।
सीता के साथ किस तरीके से हुआ। माँ सीता जो जनक राज की पुत्री, भगवान सीता ने उनके आंगन में जो धनुष रखा हुआ था वो धनुष इतना भारी था कि किसी के हिलाए से वो धनुष तिल भर नहीं हिलता था। उस धनुष को उठा करके सीता जी ने किसी कारणवश लीट दिया, किसी कारणवश नहीं, सीता जी की बात सुने न घर में होने के कारण सीता जी ने उस धनुष को उठाया और उसके नीचे लीट दिया। जब सीता ने जब वो धनुष उठाओ तो सीता की उम्र कितनी थी? 5 साल 7 महीना 5 दिन की। जब उस धनुष को उठाया तो जनक ने एक बात सोची, कौन सी? बचपन में जवाब ये दे दिया कि हमारी पुत्री का विवाह ही होगा, मैं इस बात का संकल्प करता हूँ, तो विवाह वही कर सकता है जो इस धनुष को तोड़ देगा। अब जैसे ही पहुंचे हैं दरबार में तो पत्र में चिट्ठी में एक ही बात लिख दी, कौन सी?